अच्छा लेक वेक होगा तो चलो लगा ना केजीएफ लगा इधर नहीं है वो तो सामने है ना 50 मिनट्स वो क्लोज हो जाएगा ना अभी हैवंट गॉट द टाइम आई सेड मम्मी लेट्स स्टार्ट एंड गो पर वो क्लोज नहीं हो जाएगा 4 बजे आई थिंक माइंस ये सब तो क्लोज हो जाते हैं माइंस हम जाके तो देखें कहां है ओके सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोरिंग व्हाट Exploring. What? KGF? KGF, yes. Had a good day. Yeah. Picture चला गया, picture चला गया, picture गया. पीछे की सामने है. Okay. आप पहाड़ हो ना? Hey all, welcome back to my channel, It My Life Vlogs. Live your best life. So last video में आप लोगों ने देखा कि हम lunch date पे गए थे. वहाँ पे लगभग हमें 3 से 3:30 बज गए थे. सो उसके बाद भव्या ने उसके पापा को और घूमना था, मतलब कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी थी. मैंने तो कहा नहीं अभी घर चलते हैं, बिकॉज मुझे हैवी लंच करने के बाद थोड़ा सा नैप लेने की हैबिट है. बट उन दोनों को जाना था तो मेजॉरिटी विंस मुझे हाँ ही बोलना पड़ा. सो हम निकल गए घूमने के लिए. सो अभी हम शुगर केन जूस पीने के लिए रुके हैं. शुगर केन जूस बहुत अच्छा था एक्चुअली. ट्रैवलिंग करते हुए हमें फ्रेश जूसेस पीना बहुत अच्छा लगता है, लाइक शिकंजी ऑरेंज जूस एंड शुगर केन जूस. गांव की जिंदगी देखो कितनी बढ़िया, रो हाउस जाने का मस्त लाइफ, यही मूड. आपने वो भी फुल स्पीड में आ रहा है. बहुत ही सुंदर रास्ता था, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली थी एंड लकीली उस दिन ट्रैफिक भी काफ़ी कम था. हम काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे थे, आप देख सकते हैं. अभी एकदम प्योर गन्ने का जूस वो निकाल के देता है क्या? पानी वाले कुछ ऐड नहीं करता, कुछ नहीं, एकदम खाली जाता बर्तन पूरा फेंका उसने, पानी वाली से धोया बर्तन, फेंका बर्तन का पानी सब, उसने बर्तन लगाया मशीन में, मशीन से जो निकला वही फेंक दे. बहुत अच्छा है. जब हम उधर गए थे मैसूर तब भी तो रास्ते में मिला था, स्मेल आया इसमें, कुछ भी आया बहुत ही फ्रेश, कुछ भी स्मेल आया नहीं. बचपन में तो मेरा फेवरेट हुआ करता था गन्ने का जूस, बहुत अच्छा, बट उसमें कुछ लेमन वगैरह ना हो, बहुत लोग लेमन मसाला डालते हैं, लेमन जिंजर ये सब डालते हैं ना, लेमन जिंजर और वो क्या कौन सी मिंट लीव्स, लेमन जिंजर एंड मिंट लीव्स डालते हैं. मिंट लीव्स कभी कभार अच्छा भी लगता है, बट नहीं मुझे प्योर अच्छा, मुझे प्योर गन्ने का रस, मुझे जो भी जूसेस है वो मुझे प्योर ही अच्छा लगता है. गांव से होकर जो रास्ता जाता है वहाँ का अपना ही मज़ा है, मतलब चारों तरफ आपको सुंदर नज़ारे, हरियाली और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक कम देखने को मिलेगा. हम दोनों को लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है तो हम दोनों ने तो बहुत एंजॉय किया. उधर कुछ साफ वाप तो नहीं होगा ना? होगा तो होगा. एंड गुनगुन एंड हर मदर बोथ आर डूइंग पोज. पोज ही नहीं दे पा रहे. लुक एट द लैंडस्केप. भव्या ने उसके पापा ने रास्ते में इमलियाँ भी तोड़ी. लाइक ये सब चीज़ें करते हुए हम खुद बचपन में चले जाते हैं, वो बचपन की यादें जो हमें याद आती है, मतलब वो जो नॉस्टैल्जिया होता है उसकी बात ही कुछ और है. गांधी चौक आ गया कुलर गोगल बाबा, पता नहीं कहाँ लेकर आए हमारे पति देव हमें कुलर गोल्ड फील्ड्स के नाम पर, कहाँ लेकर आए हो? ये तो कोई वो ही लग रहा है, कोई मार्केट लग रहा है इनका, लोकल मार्केट. इधर ही दिखा रहा है ना, यहाँ फिनिश्ड इट इज शोइंग फॉर बेरा से, बट वेयर इज कलर गोल्डफिंच, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, कहाँ पर? वाओ ये कितना सुंदर है पिंक कलर का.
हम KGF तो पहुंच गए थे जैसा कि गूगल लोकेशन दिखा रहा था, बट हमें कहीं गोल्ड माइंस दिखे नहीं, शायद हमें प्रॉपर रास्ता पता नहीं था। बट लकीली वहां पर हमें फेयर देखने को मिला। स्टार फेयर अम्यूजमेंट नाम का ये एक फेयर था जो कि KGF में चल रहा था। बच्चों को तो वैसे ही फेयर में जाना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो अपने बचपन की यादों में ही खो जाती हूँ, बट मुझे राइड्स में चढ़ना बहुत अभी भी डर लगता है मुझे, बट भव्य अब काफ़ी इन्जॉय करती है। तो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे लंदन ब्रिज में। सो मैं इस जगह को KGF ही बोल रही हूँ बिकॉज़ गूगल KGF ही दिखा रहा था। ये फेयर कोलार में कहीं पर हो रहा था एंड भीड़ काफ़ी कम थी, शायद कोविड के कारण कम होगा। स्टॉल्स भी काफ़ी लिमिटेड था। फेयर का मतलब ही मेरे लिए थोड़ी भीड़ भाड़, अच्छा अच्छा चटपटा खाना खाना, ये सब मुझे सब चीज़ें याद आती है। बट आजकल फेयर में वो बात नहीं रही। यहाँ पे राइड्स काफ़ी सारे थे बट जो स्टॉल्स लगे थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, काफ़ी स्टॉल्स तो खाली भी थे। एंड हमने कुछ चीज़ें यहाँ से खरीदी और आगे आप देख पाएंगे हम काफ़ी राइड्स में चढ़े। मैं सारे वीडियोस तो कैप्चर नहीं कर पाई, जितना मैं कर पाई मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी राइड्स है, बच्चों के लिए तो बहुत सारे राइड्स थे एंड हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया। स्पेशली वहाँ पे भीड़ नहीं थी, यही डर लगा रहता है इस सिचुएशन में कि हम कहीं जाए और बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। तो शाम को हम पहुँचे, बहुत बहुत अच्छा टाइम गया उस दिन हमारा, ये एकदम अनप्लान्ड था हमारे लिए, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ मैं और भव्या ट्रेन पे चढ़े और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। मैं तो बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हूँ, मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं भव्या की मम्मा हूँ। एंड और एक बात, अगर आपके साथ आपका फेवरेट पार्टनर हो तो आपको वो जर्नी, वो राइड तो और यादगार बन जाती है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया ये राइड और ये लॉन्ग ड्राइव भी। बताइए आप में से किसको कैंडी फ्लॉस पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। हम बचपन में इसके बुढ़ी के बाल बोला करते थे एंड हमारे घर के बाहर आता था वो बेल बजाते हुए, शायद अभी भी कई जगह पर आता है बट काफ़ी कम हो गया है। एंड भव्या को अभी दिखा रही हूँ कि कैसे कैंडी फ्लॉस बनाते हैं। लगभग 1 से 2 घंटा वहाँ बिताने के बाद हम घर के लिए चले गए। हमने वहाँ पर कैंडी फ्लॉस एंड पॉपकॉर्न खाया एंड कुछ चीज़ें तो खरीदी ही, बट अब ये था कि बिल्कुल रात हो गई थी और हमें रास्ता भी बिल्कुल नहीं पता था, बस गूगल जो डायरेक्शन हमें दिखाने वाला था हम वही जाने वाले थे। अभी आता है मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आर जर्नी, क्योंकि अभी हम निकले थे और काफ़ी रात हो गई थी, मतलब बिल्कुल अंधेरा था, हमें रास्ता नहीं पता था। हमें गूगल बाबा जहाँ लेकर जाने वाले थे हम वही जाने वाले थे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है और मुझे तो हर डरावनी हर खतरनाक चीज़ें याद आने लगती है ऐसे टाइम पर, बट मैं चुप थी तब, मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ और इस रिलेटेड कुछ बात भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी जल्दी से ये रास्ता ख़त्म हो और हम बिल्कुल हाईवे पे चले जाए जहाँ पे हमें कुछ लाइट्स एंड कुछ लोग दिखे। आप देख सकते हैं आसपास एक भी लाइट नहीं है एंड लोग तो थे ही नहीं, अंधेरा हो गया था। एट द सेम टाइम हमें रास्ता भी नहीं पता था। ऐसा रास्ता लगभग 15 से 20 मिनट तक हमने फेस किया एंड वो जो टाइम था, सच में मैं भगवान से प्रे कर रही थी जल्दी से हम इस रास्ते से निकल जाए। और
अभी हम लौट रहे और भव्या सो रही है। पर आते वक्त तो इतना टाइम नहीं लगा, फिर अभी 1 आवर क्यों दिखा रहा है? हम और पीछे से निकले हैं, वही खत्म हो गया चार्ज। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।